भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए लद्रूही में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भाग लेने जाते हुए बैजनाथ के पत्रकारों से मिले। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सतपाल सत्ती ने कहा कि बेनाम पत्र पहले ही सरकारों के समय में भी आते रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेनाम से कोई ऐसा पत्र डालता है उसका कोई महत्व नहीं होता है, अगर इसका कोई सबूत है तो उसे कोर्ट या लोक अदालत में जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसके बारे में कह चुके हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है और निर्दोष व्यक्ति के प्रति कोई कार्रवाई नहीं होगी, बदले की भावना से कोई काम नहीं किया जाएगा। धर्मशाला उपचुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री धूमल के नाम पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि धर्मशाला वो पश्चात से प्रत्याशी स्थानीय ही होगा और पूर्व मुख्यमंत्री धूमल भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं तथा हिमाचल में ऐसा रिवाज नहीं है कि कोई भी दाएं बाएं का नेता चुनाव लड़े। इससे पूर्व उन्होंने बैजनाथ के ऐतिहासिक शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर विधायक मुल्कराज प्रेमी, मंडल अध्यक्ष कर्ण जम्बाल, अजय राजपूत, वीरेंद्र राणा, अनिल शर्मा, सतीश अब्रोल, प्रदीप चौहान, सुरेंद्र कपूर आदि मौजूद रहे। बिलासपुर में बजरंग दल ने धर्मांतरण को रोकने व नशे की चपेट में आने से रोकने के मुद्दों को लेकर प्रदेश स्तर पर विशेष अभियान चलाएगा। बिलासपुर में बजरंग दल के प्रदेश संयोजक तुषार डोगरा की अध्यक्षता में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में प्रदेश भर से बजरंग दल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सेमिनार में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री नीरज धनेरिया उपस्थित रहे। इस बैठक में 3 सत्र हुए। उद्घाटन सत्र में नीरज धनेरिया ने दीप प्रज्वलित कर बैठक की विधिवत शुरुआत की। के उपरांत सभ्य लोटिया ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। बैठक का द्वितीय सत्र अधिवक्ता तुषार डोगरा पान संयोजक बजरंग दल ने लिया। इस बैठक का द्वितीय सत्र अधिवक्ता तुषार डोगरा पान संयोजक बजरंग दल ने लिया, जिसमें आने वाले आगामी 6 महीनों के कार्यक्रम की जानकारी कार्यकर्ताओं को दी गयी। इस बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें पहला प्रस्ताव ये है कि पूरे प्रांत में प्रखंड स्तर पर बजरंग दल त्रिशूल दीक्षा आयोजित करवाएगा व दूसरा प्रस्ताव ये है कि बजरंग दल पूरे प्रांत में नशा मुक्त हिमाचल के नाम से अगले 6 महीने तक कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। जिला संचालक RSS इंदर सिंह डोगरा का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ व विस्तार से बजरंग दल की कार्य पद्धति, उसके उद्देश्य पर विश्व हिंदू परिषद प्रांत संगठन मंत्री नीरज धनेरिया ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। उन्होंने बताया कि बजरंग दल वह संगठन है जो देश धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए अपनी जीवन को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। विधानसभा उपचुनावों के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। धर्मशाला उपचुनाव के लिए भाजपा ने विधानसभा क्षेत्र को 4 जोनों में बांटकर प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने मोर्चा संभालते हुए धर्मशाला में बूथ स्तर पर ताबड़तोड़ बैठकें की। इन बैठकों में पार्टी पदाधिकारियों के साथ साथ बूथ अध्यक्ष BLA और अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। भाजपा ने विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरणों को साधते हुए नेताओं को जिम्मेवारियां सौंप दी हैं और अब सक्रिय बैठकों का नुक्कड़ सभाओं का दौर शुरू हो गया है। भाजपा भले ही अभी तक प्रत्याशी का नाम फाइनल न कर पाई, लेकिन कांग्रेस के प्रभावी चेहरे को देखते हुए सत्ताधारी दल ने संगठनात्मक रूप से मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। इसके लिए अब भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष स्वयं मोर्चा संभाल रहे हैं। भाजपा के बीच मचे घमासान के बीच डैमेज कंट्रोल सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ने कमान अपने हाथ में ले ली है। बैठकों के उपरांत धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में सती ने कहा कि उपचुनाव के लिए धर्मशाला में 3 मंत्रियों को प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है और उन्हें 22-22 बूथों का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि एक विधायक के जिम्मे 3 बूथ रहेंगे। ज्वालाजी के विक्टोरिया पैलेस में आयोजित प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत यहां पहुंची जनता की छोटी मोटी समस्याओं को लेकर उपाध्यक्ष योजना बोर्ड एवं ज्वालामुखी भाजपा विधायक रमेश धवाला ने संबंधित अधिकारियों की
खूब क्लास लगाई। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि लोगों की बार बार शिकायतों के बाद भी अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने दो टूक शब्दों में अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं का हल करें। वहीं इस बीच यदि उन्हें दोबारा उन्हीं लोगों की शिकायत मिली तो वे संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। दरअसल विक्टोरिया पैलेस में आयोजित खुले द्वार में धवाला के पास कुल मिलाकर 100 शिकायतें पहुंची, जो विभिन्न पंचायतों से संबंधित थी। ज्यादातर शिकायतें पानी, बिजली, सड़क और विवाह शादी के लिए पैसों को लेकर थी। ऐसे में धवाला ने इन सभी विभागों के अधिकारियों की खूब क्लास लगाई। धवाला ने कहा कि ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्य में धन की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी तथा लोगों से प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितैषी योजनाओं का भरपूर लाभ उठाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में SDM ज्वालामुखी अंकुश शर्मा, BDO देहरा राजीव सूद, तहसीलदार ज्वालामुखी जगदीश चंद, मंदिर अधिकारी ज्वालामुखी BD शर्मा, जिला परिषद सदस्य श्याम दुलारी, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष विजय मेहता, महामंत्री जोगिंदर प्रकाश, SDO लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग एवं सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, विभिन्न विभागों से आए अधिकारी व कर्मचारी एवं स्थानीय जनता उपस्थित रही। धवाला ने ज्वालामुखी के 10 ग्राम पंचायतों के लोगों की समस्याओं को सुना तथा अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा करते हुए शेष समस्याओं के शीघ्र निपटारे के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनता की शिकायतों के समाधान हेतु उन्होंने सभी अधिकारियों से 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है।